तीन दिवसीय दौरे के अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री देश को पारादीप में सालाना 1.5 करोड़ मीट्रिक टन क्षमता वाले ऑयल रिफाइनरी संयंत्र और राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी करेंगे। बंगाल की खाड़ी में शनिवार को अब तक के सबसे बड़े इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की औपचारिक शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना के जहाजी बेड़े का मुआयना किया और इसकी समुद्री ताकत तथा सामर्थ्य की झलक देखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। 8 फरवरी तक चलने वाले इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 24 अंतर्राष्ट्रीय युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। विशाखापट्टनम में चल रहे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तशिल्प और हथकरघा की वस्तुओं पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। पिछले साल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आए हुदहुद तूफान से हुए नुकसान और उससे निपटने की तैयारियों पर फोटो प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री ने मुआयना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को श्रीलंका की मुख्य तमिल पार्टी TNA के अध्यक्ष आर संपतन समेत पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। इन नेताओं ने सुषमा को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सुलह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सरकार के प्रयासों को जानकारी दी। राज्यों ने केंद्र सरकार से केंद्रीय विक्रय कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने के मद्देनजर होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई पहले से जारी करने का आग्रह करते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए भी विशेष मदद देने की मांग की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान राज्यों के वित्त मंत्रियों और उनके प्रभारियों ने ये मांग की है। केंद्र सरकार ने मीडिया में आई उस खबर पर स्पष्ट किया है जिसमें पिछले साल 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर में नवाज शरीफ के साथ हुई मुलाकात के दौरान मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी की बात की गई थी। सरकार ने इस बात को निराधार, बेबुनियाद और गलत बताया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि दूरसंचार क्षेत्र में विकास की असीम संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के लिए एक ही पैदा हुए विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वह जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ सरकार गठन तब तक नेतृत्व स्थापित करने की जरूरत है ताकि दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं नहीं करेंगी जब तक केंद्र राज्य में विश्वास बहाली का माहौल बनाने के लिए कदम नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार लोगों के बीच सद्भावना का आश्वासन नहीं देती है तो राज्य में राज्यपाल शासन ही जारी रहेगा। श्रीनगर से 35 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक स्थानीय आतंकी मारा गया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान एक गाँव के घर में छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा में चल रहे कारों के मेले ऑटो एक्सपो में दूसरे दिन भारी भीड़ देखी गई, जिसमें दर्शकों की संख्या रिकॉर्ड 1,12,000 तक पहुंच गई। शुक्रवार से आम लोगों के लिए खुले इस मेले का कल का दिन सिर्फ आम लोगों के लिए सुबह से खुला था। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में हुए एक आत्मघाती हमले में करीब 10 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में एक महिला और सरकारी अर्धसैन्य बल फ्रंटियर कॉर्प्स के 3 सदस्य शामिल हैं। ताइवान में जबरदस्त भूकंप आने के बाद से लापता लोगों को बचाव कर्मी तलाश कर रहे हैं। भूकंप से अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। भूकंप स्थान तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। सर्वाधिक प्रभावित हुए ताइवान शहर में मलबे से करीब 340 लोगों को बचाया गया है। दक्षिण एशियाई खेलों के दूसरे दिन भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। खेल के दूसरे दिन भारत ने 14 स्वर्ण और 5 रजत के साथ 19 पदक हासिल किए। भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन साइकिलिंग, भारोत्तोलन और तैराकी में अपनी छाप छोड़ गया। IPL सीजन 9 के लिए बेंगलुरु में खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी पवन नेगी को दिल्ली डेयरडेविल्स टीम ने 8.5 करोड़ रुपए में अपने नाम किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, उन्हें 9.5 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग का शनिवार दोपहर 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से ब्रेन कैंसर से पीड़ित थे, जिनका 2 वर्ष से इलाज चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार आज लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में किया जाएगा।